ए, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। ठीक से एक्टिंग नहीं कर पाते और यहाँ नौटंकी करते हो। तुम्हारी वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगा। जाने दीजिए सर, तो भी ठीक है। ए, चल फट, खाना खाने दे। अबे मीरा मैडम, आप अपना ये लिपस्टिक और गजरा हटा दीजिए। क्यों जी, आपसे देखा नहीं जाता क्या? रवि, बॉन्ड रवि, मैं ऐसी रहूंगी तो चलेगा ना? सुनो प्यारे, आप मीरा की जो कहानी सुना रहे हैं हमारी कहानी से काफी मिलती जुलती है। ए, क्या लिखा है? इधर दिखा, ला इधर दिखा। लीजिए सर। माँ कसम सर, झूठ कहूँ चाहे सच कहूँ आप तो मानोगे नहीं। प्रलय दिवस टाइटल रखा था सर, 2012 दिसंबर 23rd शुक्रवार यानी फ्राइडे को प्रलय दिवस रिलीज करने का प्लान बनाया था, पर प्रोड्यूसर नहीं माना। कार्टून? अबे प्रलय के दिन फिल्म रिलीज करने के लिए कौन सा कदा राजी होगा बे? क्लासिकल पागल है, प्रलय पुत्र ने लिखा है। अबे पढ़ के सुना क्या लिखा है। बॉन्ड रवि नाम के नायक को मीरा नाम की नायिका से मोहब्बत हो जाए। उसके बाद मामरित है। चल चल पढ़ के सुना। सुनो, मीरा के भाई मवाली और गुंडे हैं। जब बॉन्ड रवि अपने प्यार का इजहार करता है तो मीरा मान जाती क्या है। ओ, लव सक्सेस, हैप्पी एंडिंग। बॉन्ड रवि के इजहार का सीन, ब्रैकेट में ब्रिज, जिमी जीप, क्रेन, रेन मशीन, विंड मशीन, मशीनी मशीन, कितनी मशीनें हैं भाई? वो बॉस शूटिंग के लिए, बॉस सारे लोकेशंस और इक्विपमेंट्स। सिर्फ मशीनों से पिक्चर बनाएगा? इधर आ मेरे राजा, इधर आ। चपाती सर, अरे वाह, तू तो कमाल का है। वाह चपाती सर, ऐसी बहुत सी कहानियां लिखी। अरे अरे सर, मेरी कहानी जला रहे हैं सर। तुझे कहानी ही चाहिए ना सर? चपाती की एक सुपर हिट कहानी दे रहा हूँ तुझे, लिख ले। बताइए सर। लोक कल्याण करने के दौरान एक पति की मरी हुई औरत को जीवन दिया। वो औरत विधवा थी। ए भगवान, अबे दोनों एक ही बात है यार। एक सिंपल सी शादी हुई। दिमाग खराब हो रहा है, लिखना। अबे चपाती, शादी कहाँ हुई थी? कौन से मंदिर में हुई थी? ए मंदिर में नहीं, पुलिस स्टेशन में शादी हुई थी रे। ए रुक जा, मैं बताता हूँ। जीवन दान मिली हुई औरत को एक बेटी थी। ठीक है, उस लड़की से मेरे बाप ने शादी कर ली। हाँ बस। अब मेरी पत्नी की बेटी मेरी माँ है, यानी सेकंड मदर। मेरी पत्नी मेरे बाप की बहू और सास दोनों है। क्या? इसी दौरान मेरे बाप को एक बेटा हुआ। ऐसा? वो लड़का मेरा भाई हुआ, यानी मेरी पत्नी का पोता, पत्नी के दामाद का बेटा। इस दौरान मुझे भी एक बच्चा हुआ। छोटा चपाती, ए कंफ्यूज हो गया, इसे समझा। और फिर वो लड़का इसके बाप का पोता हुआ, इसकी दूसरी माँ का भाई। मेरा बेटा कहानी लिखेगा तू? प्रलय पुत्र गोली मार रहा है रे। प्रलय पुत्र, इसमें गोली डाल देता हूँ। अरे गन है, अब तो कहानी समझ में आ गई होगी। सर दिमाग का दही हो गया सर, बस मीरा का ही फ्लैशबैक सुना दो। ए बॉन्ड रवि, मेरी कहानी समझ नहीं पाएगा, तू अपनी कहानी बता। चले लिख बे, लिख। चल चल लिख। बॉन्ड रवि और मीरा किसी पार्क में नहीं मिलते हैं, बल्कि शमशान में जाकर मिलते हैं। शुरू कीजिए। काला जादू करती हूँ, जान भी ले सकती हूँ। अगले अमावस की पूजा में मुर्दे को जगाकर बात करूंगी, देख लेना। सुनो माता, मुझे अपने बाप को जगाकर पूछना है कि मैं पैदा क्यों हुआ। माते, मैं तुम्हें 3 बंडल बीड़ पिलाऊंगा। माँ जी, ये जादू टोना चमत्कार सब झूठ है, क्यों आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? मैडम चुपचाप शूट करते रहिए, समझा करिए ना। माता जी, आप अभी यहाँ जादू करके दिखाएंगे क्या? अरे आपको गायब कर देंगी या छू मंतर करके सबको कुत्ता बना देंगी, कुत्ता। करेक्ट, और बाद में तुम्हें दूध और बिस्किट मिलेगी। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी चलो। उस गिरगिट को पकड़ने वाले को दिखाते हैं। गिरगिट पर ग्रिल बनाएंगे क्या? मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। तो रात भर वो औरत यही रहेगी क्या? अरे इसमें क्या है, रात के 12 बजे हम यहाँ क्रिकेट खेलते थे। यहाँ मुख्यमंत्री की समाधि थी ना, उस पर हमने छक्का मारा था, इधर ही कहीं होगा। आधी रात को इस कब्र पर बहादुर बॉन्ड रवि केक रखकर वापस आएगा, 1000 रुपए की शर्त, अगर हार गया तो। ए ए, क्यों पी रही हो? अरे पीने दो ना, आकाश के लिए अच्छा है। मीरा मैडम के लिए तो केक रख के आऊंगा। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सत्य हूँ लोक उजागर।
महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगे। अरे तो साड़ी लटक रही है। पेन, लगता है कोई लिखक था, दिमाग को बचाने के लिए हेलमेट पहनकर मर गया। कलम रख लो, काम आएगा। गंदा हो गया। अरे वो कब्र कहाँ है? ये रही वो कब्र। न जाने आपको कब से खाना नहीं मिला होगा, ये लीजिए आपके सामने केक हाजिर है, लीजिए खाइए। मुझे वो केक दे दे। अबे क्या भूत है? अपने पैर दिखाओ। देखो चपाती, अबे मैं हूँ बे। बोल रवि, ये क्या आधी रात में पाउडर लगा के घूम रहा है तू? क्या बोल रहा है? पाउडर? चपाती भाई काला भूत है। काला भूत? ये क्या यार, काले भूत आकर हमको डरा रहे हैं। देखो चलो, ये कोई भूत है क्या? कौन बैठा हुआ? क्यों बे? सब अपने अपने हथियार फेंक दो, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। क्या? किसने भागने की कोशिश की तो? अरे गन, ये तुझे कहाँ से मिली? अरे ये हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। हे हैंड्स अप, गोली है, हाथ उठाओ। अरे ठीक है भाई, अगर गोली चल गई ना तो पहले तू ही मरेगा। हाथ ऊपर उठा, हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। अरे यारी भाई, आप बुद्धिमान, गन दे दे भाई। मुझे केला ला कर दो। क्या केला? केले इस वक्त? अबे कल पूरा पेड़ दिला दूंगा, अभी गंदे दे भाई। मुझे केले के साथ केक भी चाहिए। घोड़ा मत दबाना नहीं तो लग जाएगी। हाँ घोड़ा मत दबाना। ये मेरे लिए। अरे वाह, हमको आधी रात को चंदर की बंदूक वापस मिल गई। अरे गुरु मुझे एक बीड़ी दो ना। मीरा, हाँ देखा बॉन्ड रवि का, प्यार में पागल है। 2012 में भी आंखों से प्यार जताने वाला या अकेला इंसान ही होगा। चुप कर यार, वो बहुत अच्छा इंसान है। अगर और दो दिन रुक जाते तो तेरे अच्छे बंदे को ठीक कर देती। मीरा एक आइडिया है, जोर से गले लगा के आई लव यू बोलकर बाय कह दो, पूरा पागल हो जाएगा। ऑलरेडी तुम्हारी बात मानकर कॉलेज में दो लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो पागल है क्या? मेल के पॉपुलेशन बढ़ रही है मीरा, सुसाइड करवा कर हम थोड़ा कम कर देते हैं। तू भी ना चल। ठीक है जाओ मास्टर। वो आ रही है। I love you. लोहे जैसे हो तुम, तुम्हारे जैसे चार बेटे चाहिए मुझे। भाग चले क्या? मैं तो रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ, जब आओ मेरे हाथ ऐसे ही मिलेंगे। ये लो बॉन्ड रवि। अरे लक्ष्मी इधर आओ। कितने है इसमें? वापस है? एक हफ्ते में 500 रुपए तो होने ही चाहिए ना, तुम्हें बताओ इसमें क्या होता है? चपाती, ए भाई वापस कर, मैं सेटल करता हूँ ना। हमें क्या, तुमने कोई मजदूर समझा है? ले लो अपना भी, वो सब ले लो। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। ये सब तुम ही रखो, वो पैसे तुम्हारे लिए है, कुछ खरीद लेना। अब दिव्या हाँ एक फोटो खींचो ना। तुम जिंदगी में कुछ बनो, ऐसे फ्री मत बैठो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। चलती हूँ। तुमको मैं नहीं वो पसंद है ना, तो जाकर बोल दो क्योंकि ये लास्ट चांस है। यस डैड निकलिए। मीरा जी अब क्या है? एक मिनट। हाँ
तुम्हें कुछ बोलना था क्या? थोड़ा जल्दी में हुआ, यू टेक केयर, ओके बाय। हाँ डैड। जिंदगी में कुछ बनो, ऐसे फ्री मत बैठो। ए बॉन्ड्रवी, ये लो तुम्हारा हिस्सा, रख लो, ये लो। शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें, हैं? लड़कियों से पैसा लेता है कोई? इज्जत की धज्जी उड़ा दी तुमने। ए, क्या हो गया तुम्हें? पैसे की कड़की थी, कुछ काम चलेगा इसीलिए ले लिया था यार। दारू पीने के काम में आता और किस काम में आता? जाते ही सबसे पहले इसके लिए पैसे तुम मुझसे मांग लेता ना, तो मैं दे देता। चलाना नहीं था भाई, एकदम खत्म कर देना था। किसको? किसको? अरे सिंगापुर चंदर को, तुमने पेट्रोल से जला डाला ना। ए, यहां खुद का पिछवाड़ा जल गया है, चल तू यहां से चल। ए, उसने बोला कि हमने जलाया है। सब लोगों से तो वो यही कह रहा है। कहां है वो? अरे भगवान, अब तो ये सुरक्षित है भाई। ए, अबे लोगों से तू झूठ क्यों बोल रहा है कि हमने तुझे पेट्रोल से जला डाला? मैंने नहीं बोला। अच्छा, तो फिर जला कैसे? उस खिड़की के पास सोया था, किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उस ड्रम में पानी था तो बच गया। मुझे तुझ पर बिल्कुल शक नहीं है। ए, ए, सिंगापुर मेरी बात सुन, तू हमारे बारे में अच्छा बुरा कुछ भी मत बोल। चपाती से क्या बोल रहा है, मरने दे साले को, चलो। तेरी तो। ए, रवि, उस अलमारी में एक और बंदूक है, उसे लोड कर दे दे सेफ्टी के लिए। अरे दे देना भाई। ए सिंगापुर क्यों भाई, छोटी बीवी, कबाब वाली, फूल वाली, भजिया वाली, कितनी बीवियां रखेगा भाई? अबे हट तू, मैं इससे बात करता हूँ। कहाँ लगाता है? अबे तेरे परिवार के झंझट में ना, अगर तूने मुझे शामिल किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। गंजे गंजे जेल और गांव एक जैसा ही है, ध्यान रखना। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। हम भी चलेंगे। ये ले रख ले, ये रख ले सुरक्षा के लिए। चल रे, तेरी कोई अंबानी की कंपनी है क्या जो बंटवारा कर रहा है? चल भाई, ये चल यहाँ से, ये रख। अबे चपाती, इसने मेरे हाथ में लकड़ी क्यों दे दी? इससे अपनी कान खुजा। ए सीआईडी, ये लकड़ी क्यों दी? अबे एक पौधा लगाओ, वो तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। मैं लगा सकता हूँ लेकिन टाइम सही नहीं चल रहा है। अबे ये कौन है कि दोपहर में पौधा लगाने की बात कर रहा है? ए सुन, जब मैं शहर से लौटूंगा तो तुझे गोरा बना दूंगा, पूरे गाँव का ध्यान रखना, समझा? ए ये लकड़ी ऊपर क्यों फेंक दी तूने? अबे चपाती, इंग्लिश पिक्चर में दिखाते हैं लकड़ी फेंक कर डायरेक्शन देखते हैं फिर गांव छोड़ते हैं। हाँ, बच गया जो शहर की तरफ गिरा, उस तरफ गिरता शमशान की तरफ, तो खलास। हाँ, अब चलते हैं। ए, तो गांव में लौट जा। जीत कर रहा ना।